गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर मैथ्स बुक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर 1, काउंटिंग नंबर्स अप टू 999। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करेंगे बेटा चैप्टर 1 की। इट्स रिवीजन फॉर यूनिट टेस्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट। फाइंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। बेटा यहाँ पे आपने मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं। ओके, आफ्टर इट काउंट इन टेंस एंड राइट द नंबर्स इन द बॉक्सेस। आपने काउंट करने हैं टेंस, टेन टेन आपने काउंट करना है। आफ्टर इट आपने क्या राइट करना है, बॉक्सेस में राइट करना है कि ये कितने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मैच द नंबर्स टू देयर नेम्स। यहाँ पे आपने नंबर्स को उसके नंबर नेम के साथ मैच करना है, लाइक 18 18। ओके, जो हम नंबर नेम इन वर्ड्स में राइट करते हैं। ओके, वैसे नाउ मैच द फॉलोइंग वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे बेटा आपने, जैसे हमारे पास 5 10 7 1s, तो ये क्या बन गया, 57। तो आपने ऐसे नंबर के साथ मैच करना है। नेक्स्ट, ड्रॉ द करेक्ट नंबर्स और नंबर ऑफ बीट्स ऑन द अबेकसिस फॉर द नंबर्स, राइट द नंबर नेम्स। बेटा आपने क्या करनी है, आपके पास 48 दिया हुआ है, आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने इसको टेंस और वंस प्लेस में राइट कर लेना है। इसके बाद आपने 4 है यहाँ पे, तो आपने 4 बीट्स ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे 8 है तो 8 बीट्स ड्रॉ करनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका नंबर नेम राइट करना है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। पुट द करेक्ट साइंस। बेटा आपने करेक्ट साइंस पुट करनी है, लेस देन और ग्रेटर देन। फॉर एग्जांपल आपके पास 49 है और आपके पास 45 है, आपके फर्स्ट दोनों नंबर्स क्या हैं, सेम है, तो आपने सेकंड नंबर्स देखने हैं, ये 5 है ये 9 है, कैपिटल कौन सा है इसमें से, ग्रेटर कौन सा है, 9, तो हमारा 49 क्या हुआ बेटा, ग्रेटेस्ट। नाउ ऐसी जो नेक्स्ट है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में बेटा क्या करना है, जो जब हम क्या करते हैं, नंबर को स्मॉल से लेकर लार्ज की ओर जाते हैं, छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर की ओर जाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, लार्ज टू स्मॉल, हम बड़े नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, राइट द नंबर्स एंड देयर नेम्स। आपने यहाँ पे जैसे आपके पास ये दिए हुए हैं नंबर्स, उसके अकॉर्डिंग आपने नंबर्स राइट करने हैं कि ये 100 है, ये 10s है और ये 1s हैं, और इसके नंबर नेम राइट करने हैं। नाउ नेक्स्ट, फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पे बेटा आपको काउंटिंग दी होगी 131 टू 190, तो वो आपने बॉक्सेस में फिल करनी है। नाउ नेक्स्ट, राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग। आपके पास जो भी नेम्स नंबर्स दिए होंगे, आपने उसके नंबर नेम्स फॉलो करने हैं, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, रिवीजन एक्सरसाइज में, वहाँ पे इजी से नंबर थे और यहाँ पे थोड़ी सी टफ है। यहाँ पे हंड्रेड्स में, हंड्रेड्स की फॉर्म में है, वहाँ पे कौन सी फॉर्म में थे, टेंस की फॉर्म में थे। नाउ आगे क्या, आगे फिर आपने नंबर्स को मैच करने उनके नेम्स के साथ, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी ने अच्छे से करनी है। नाउ नेक्स्ट है, राइट द नंबर शोन ऑन द अबेकस। आपके आपके पास अबेकस दिया हुआ है, उसमें 100 हैं, 10s हैं और 1s है, उसमें आपके पास वीड्स शो की गई हैं, आपने जस्ट उसके नंबर्स राइट करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल काउंट दिस वीड्स, 1 2 3 4 5, राइट हियर 5। आफ्टर इट टेंस में कितने, 1 2 3 4 5 6, तो आपने 6 राइट करने हैं ऐसी वंस में, लेकिन ये आपने यहाँ से स्टार्ट करने हैं, पीछे से आगे की ओर जाने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है बेटा, राइट द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, वो पोजीशन के कौन सी पोजीशन पे है नंबर, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है प्लेस वैल्यू में, कि नंबर कौन सी पोजीशन में है। जैसे 2 है, 2 कौन सी पोजीशन में है, ये 100 में है, ये 10s में और 1s में, 10s पोजीशन पे है, तो बेटा 10s पोजीशन में 10 के साथ कितनी जीरो लगती है, 1, तो हमने यहाँ पे ऐसे राइट किया। राइट द प्लेस वैल्यूज ऑफ द ऑल डिजिट। आपने सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू राइट करनी है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो एक डिजिट की करनी थी और यहाँ पे ऑल डिजिट्स की करनी है। जैसे 6 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, 1s, तो 6 एज इट इज। 1 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है बेटा, 10s पे है, तो 1 के साथ हमने क्या लगा दी, 0। और 8 कौन सी पे, 100s पे है, 100 के साथ कितनी जीरोज लगती हैं, 2, तो हमने ऐसे राइट किया है। नाउ नेक्स्ट है बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करके राइट करते हैं। ओके, अ नंबर कैन ऑल्सो बी रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट्स। उसके बेटा डिजिट की जो वैल्यू होती है, जैसे इनका जो सम है, जो प्लस है, ओके, वो ऐसा नंबर होता है, जैसे 203, तो हमने 200 राइट किया, फिर 0 का कितना आया, 0 बेटा 3 का, 3 वंस प्लेस पे है तो 3। ऐसी जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म्स भी बोल देते हैं, जो कैसे होती हैं बेटा, जो उसके अपोजिट होती है। इसमें हमने, हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म दी होती है, उसका हमने स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर नेम राइट करना होता है। ओके, शॉर्ट फॉर्म राइट करनी होती है। आफ्टर इट बेटा, आफ्टर भी 4 हैं,
ये आपने जो भी नंबर आपका आफ्टर का मीनिंग क्या होता है बाद में, और बिफोर का मीनिंग क्या होता है पहले, बिटवीन का मीनिंग जो बीच में आने वाला, ओके, सेंटर में आने वाला नंबर होता है। नेक्स्ट है कंपेयरिंग करने नंबर को, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ओके। और यहाँ पे भी जो बॉक्सेस में आपने फिल करने हैं वो ग्रेटर है लेस देन है, ओके। नाउ अवर लास्ट एक्सरसाइज क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, जो स्मॉल से लार्ज की ओर चलता है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, जो लार्ज से स्मॉल की ओर जाता है, ओके बेटा। तो आपने यहाँ तक आपने इस चैप्टर की रिविजन डन कर लेनी है बेटा, आफ्टर इट आपका यूनिट टेस्ट के लिए आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।